ওই বুয়াদা কোথায় গেল? December है लोग आज कल रात को ही आ गए हैं काठमांडू में। तो आने के बाद और कुछ खाने ऐसे ही नॉन वेज खा के सो गई थी। तो उसके बाद हम और मुझे बहुत नींद आ रहा था एक्चुअली, तबीयत ख़राब था दोपहर को इसलिए। और अभी ऐसे ऐसे कपड़े वगैरह देख के पता ही चल ही गया होगा कि कहीं हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे पशुपति मंदिर जो होता है उसमें पूजा देने के लिए। तो वो सारे कंप्लीट करने के बाद आएंगे, टिफ़िन वगैरह खाएंगे, क्योंकि हम लोग बंगाली लोगों का एक रिचुअल्स होता है कि उपोष करके मतलब फास्ट करके आपको पूजी का देना है। तो नॉर्मली वही हमको हम लोगों को करना है। और ठंडा यहाँ बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 7 to 6 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। कल बहुत ज़्यादा लग रहा था, आज थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, मतलब एक दिन रहने से क्या होता है एडजस्ट हो जाता है इसलिए। तो ठीक है, चलो आज का ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे पर्सनली पसंद करते हो तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलना, उसके लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। सो डू चेक आउट एंड फॉलो मी। सो देखते हैं क्या क्या आज होता है, कहाँ कहाँ जाती हूँ और क्या क्या खाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मंदिर में जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, तो वो पहले आप लोग सुन लो। अभी आप लोग मंदिर जा रहे हैं, आपका 9:34 गेट ओपन होता है, इस टाइम में ओनली 1 गेट ओपन है। सीधी से जाए, दर्शन करके आ जाइए, कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता। मंदिर में हर तरह के लोग मिल जाते हैं, खुद का सेफ्टी होना जरूरी होता है, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, पिक पॉइंट हो सकता है, डरने का कोई बात नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मेन एंट्रेंस के अंदर चले गए तो आप लोग का फ़ोन कैमरा जो कुछ भी जेब में रख लीजिए, निकालना नहीं। अगर निकाल लिया तो गुंडी में डाल देता है, बाद में फोन वापस नहीं आती। गेट के बाहर बाहर फोटो उतार सकते हैं, मंदिर के अंदर में पिक्चर लेना अलाउ नहीं है। जैसे यहाँ पर जैसे आप लोग इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का फेस का ऊपर का भाग फेस का दर्शन मिलता है। जैसे केदारनाथ में आप लोग चले जाते हैं, नाभि का नीचे का भाग का दर्शन मिलता है, तो यहाँ पर पशुपतिनाथ का दर्शन मिलेगा। हम लोग जाएंगे, मैं बोलूँगी वहाँ पर शूज चप्पल ओपन कर लीजिए, वहाँ पर एक रुद्राक्ष का दुकान है। अगर आप लोग के मन में इंटरेस्ट है तो ले सकते, नहीं तो फोर्स नहीं करते हम लोग। यहाँ का मेन प्रसाद बोलने से रुद्राक्ष और बेलपत्र, जैसे हनुमान जी को गणेश जी को लड्डू पेड़ा फूल प्रसाद चढ़ाते, पर यहाँ पर मेन स्टैचू को छूकर दर्शन करने को अलाउड नहीं होने से बेलपत्र और रुद्राक्ष गुरु जी को दिया था, टच करके आपको वापस दे देते। अभी मैं जाऊँगी साथ में दर्शन करवा कर वापस इधर छोड़ देते। आपको जो श्रद्धा जो इच्छा ले सकते, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, हम लोग फोर्स नहीं करते। क्योंकि बोल नहीं बोलना है कि होटल से बुलाया, इधर किया वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। मैं आगे जाकर बताऊँ। तो सारी चीज़ें सुनने के बाद हम लोग चल पड़े रास्ते से मंदिर के तरफ, क्योंकि हम जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ से कुछ मतलब 5 या 6 मिनट का रास्ता है कि आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो नॉर्मली उसके बाद हम लोग चल दिए सब लोग मिलके। देख सकते हो कि सब और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था इसलिए। और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि इस पोजीशन से आपको घुसना पड़ता है। तो नॉर्मली तेरा कंप्लीट कर ली, क्योंकि अंदर का जो शिव जी है वो शायद नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। बाहर जितना सा होगा वही दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग एक रुद्राक्ष के दुकान में गए थे, क्योंकि वहाँ रुद्राक्ष
देके ही पूजा देना पड़ता है, इसलिए तो आप ले सकते हो, इसलिए इस दुकान पे आप विजिट भी कर सकते हो। तो इसमें नॉर्मली प्राइस में दिया हुआ था, उन लोगों ने समझा दिया था और मैंने आपसे आप लोगों से शेयर किया, कैसे लग रही ज़रूर बताना। उसके बाद ये जो डाली होती है इसके अंदर ही सब चीज़ होता है, देख सकते हो। ये लेके ही हम लोग उसके बाद पूजा देने के लिए अंदर घुस रहे थे, तो घुसने के टाइम में ही इतना अच्छा नज़रिया देखने को मिल गया, जो चीज़ मैं मिस नहीं करना चाह रही थी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। ये है पशुपति मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट, जिससे आप लोगों को अंदर घुसना है। यहाँ कोई टिकट वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, आप वहाँ से घुसने के बाद आप यहाँ घुसोगे, उसके बाद आप फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते। तो पूजा वगैरह दे देने के बाद मेरी दीदी यहाँ मुझे फ़ोटो खींचने में या शूट करने में वो हेल्प कर रही थी, और मैं यहाँ जो पायरा वगैरह है, पिजियन वगैरह है, उसको उड़ाने में व्यस्त थी। और आप लोग बता देना कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट में। तो उसके बाद तो नॉर्मली पूजा वगैरह जो देना था वो कंप्लीट हो चुका है, और अंदर कैमरा नहीं घुसने देंगे तो इसलिए नहीं हुआ। आप देख सकते हो टीका वगैरह पहन दिया, और ये पहना है रुद्राक्ष का माला जो है वो पहना है, क्योंकि ये हम लोग यहाँ का रूल्स है कि आप जब पूजा दोगे तब आपको इसको मतलब पहनना नहीं है, आपके डाली में जो जिससे आप पूजा देते हो उसमें रहना चाहिए। तो इसलिए ये था, और ये पूजा देने के बाद आप पहन सकते हो ऐसा है। तो मैं वही पहन के घूम रही हूँ अभी। तो अभी हम लोग जाएंगे होटल में, खाना वगैरह खाएंगे, ब्रेकफास्ट करना है, नहीं हुआ तो वो कंप्लीट करने के बाद मैं देखती हूँ कहाँ जाती हूँ, तो तब मिलते हैं। स्टेज है, उसके बाद चलते हुए हम लोग फिर से होटल वापस जा रहे थे, क्योंकि टिफ़िन कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए। तो सब लोग मिलके फिर से वापस जा रहे थे, और जो सारे थे वो अलग अलग होके, हमारी फैमिली तो इसलिए एक साथ हम लोग थे। तो आते वक्त इन लोगों से मुलाकात हुई, जो कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम थे, आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं अभी के लिए भूल गई। ये तो नॉर्मली हैन है, वो पता है, ये भी हैन है, वो भी पता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं पता मुझे ठीक तरीके से। तो उसके बाद आके लूची और आलू दम था वो खाए। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे आउट सीन वगैरह देखने के लिए, जो साइट सीन है वो देखने के लिए। तो मैं क्या करूँ उसके लिए, मैं नेल एक्सटेंशनल पहले दिन आप लोगों के साथ शेयर की, और इस दिन मैं बस में ही बैठ के नेल एक्सटेंशनल कर ली क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और ये सनग्लासेस मुझे कैसे लग रहे थे वो भी बता देना। तो उसके बाद हम लोग आ गए और एक प्लेस में, जहाँ देखने को के क्या है क्या नहीं है। ये एक्चुअली एक म्यूज़ियम था जिसमें आपको नेपाल का हर चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें तब काम वगैरह चल रहा था तो इसलिए हम लोग घुस नहीं पाए। और टिकट्स वगैरह की भी बात थी, वो ख़रीदने के बाद आप अंदर घुस सकते हो। और पूरा जो काम चल रहा था इसके चक्कर में कुछ अच्छी तरीके से दिखने नहीं वाला था, तो इसलिए हम लोग सारे नहीं गए। लेकिन बाहर से जो दिख रहा था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, और वो अच्छा खासा मतलब डिफरेंस टाइप दिख रहा था, जो एक्चुअली में नेपाल लोगों का स्ट्रक्चर होता है वो चीज़ ही वहाँ दिखा मुझे। और उसके बाद हम लोग बाहर ही बैठ बैठ के फ़ोटो वगैरह खींचने लग गए कि गए ये तो दिखाना है ना। तो उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल गया कि हम लोग गए कहाँ थे एक्चुअली में, वो नाम वहाँ लिखा हुआ था, आप थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। उसके बाद मेरी मम्मी कैसी लग रही है, मेरी मम्मी की आउटफिट तो बता देना कमेंट में। उसके बाद हम लोग ये एक मंदिर में, एंट्री के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग अभी नॉर्मली जो टेंपल्स वगैरह है, वो मेरे पीछे एक टेंपल है वो देखने आए हैं। सामने जो मतलब जितना साइड से है वही देखना है और कुछ नहीं, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ नहीं है शायद। तो आज घर ही चल जाएंगे, मतलब जो होटल में है वहीं चल जाएंगे। और ये मैंने बैठ बैठ के
गाड़ी में घड़ी नेल एक्सटेंशन। घर से मैं ये स्टिकर वगैरह लगा के आई थी और मुझे अभी थोड़ा सा ये सारा कुछ करके अब जाएंगे अंदर मूर्ति दर्शन करने। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर घुसे। इन लोगों की एक चीज़ मुझे बहुत ही बुरा लगा कि इन लोगों के रास्ते में ही ना ऐसे ऐसे जगह बना के वो लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति है, इसको हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, आप जब चल रहे होगे तब आपके पाँव में लग सकता है। तो इस मंदिर में भी काम वगैरह चल रहा था, हम लोगों ने बाहर से ही जो देख पाए वही देखे, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। अंदर बहुत ही ज़्यादा गोल्ड से काम वगैरह किया हुआ था। मंदिर की ये खासियत है कि इनके नेपाल के मंदिर के सामने ये चीज़ रहता है जो इससे पहले आप लोगों को देखने को मिला। तो वहाँ हम लोग खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खींचे। और ये जो मूर्ति है वो नॉर्मली पशुपति मंदिर की ही मूर्ति है जो अंदर थी, जो हम मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। और सामने ही एयरपोर्ट होने के कारण बहुत ही पास से एरोप्लेन्स वगैरह जा रहे थे, तो बहुत वो चीज़ अच्छा लग रहा था। उसके बाद किसी के अपार्टमेंट के अंदर ये मंदिर जैसा था जो हम लोग देखने के लिए घुसे। और ये जो कुआं था वो बहुत ही डेंजरस था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप था। अब आप एक चीज़ देख पाओगे कि एक बच्चा कितना अंदर तक झुक जाएगा, देखो, मतलब क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। बच्चे लोग इतने बदमाश होते हैं ना, मतलब आँख बुझने से पहले आपका कोई काम करके वो लोग चल जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो वो चीज़ सब लोग देख रहे थे। मंदिर भी बहुत खूबसूरत था, अच्छा लगा, अच्छा खासा था। तो अपार्टमेंट के अंदर था इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम तक रुके नहीं, ज़्यादा वगैरह फ़ोटो वगैरह खींचे नहीं, जल्दी ही बाहर निकल आए। और इतने सारे जो लोग देख रहे हो वो सारे हम लोग मिल के एक्चुअली गए थे। तो ये एक बुद्ध का मंदिर था या बुद्ध का स्टैचू वहाँ था जिसके सामने बच्चे लोग बैठ बैठ के फ़ोटो वगैरह खींचे। तो हम लोग देखे, उसके बाद निकल पड़े फिर से जाने के लिए। ये एंटर गेट था जहाँ काठमांडू से हम लोग जाने वाले थे, गए थे मतलब रात को, तब वो प्रॉपरली नहीं दिखा था इसलिए मतलब शाम हो गई थी तो नहीं दिखा पाई। तो ये एंट्री गेट है काठमांडू के अंदर जाने के टाइम में। तो उसके बाद वो जो ब्रिज देख रहे हो उसको मैंने रात में आप लोगों को दिखाया था इससे पहले वाले ब्लॉग में, जिसने नहीं देखा वो जाके ज़रूर देख लेना। इसका जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर पाई क्योंकि तब लाइट नहीं था तो प्रॉपरली नहीं दिख रहा था इसलिए। तो उसके बाद हम लोग और एक जगह पे आए जिस जगह पे आपको ऊपर की तरफ जाना है, मतलब सीढ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा थे इसलिए मेरी मम्मी नहीं गई थी। तो वहाँ से उठने के बाद, यहाँ भी टिकट सिस्टम है, वहाँ से उठने के बाद आपको पूरा नेपाल का जो शहर है वो पूरा प्रॉपरली आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको लास्ट फोटो में या तो फिर मैं वीडियो ली तो वो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो चलते चलते ही हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ी वगैरह थी। तो ये एक प्लेस थी जो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि यहाँ जो मतलब चीज़ मिल रही थी ना वो बहुत ही अच्छा था। और बीच में जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये शिव जी का ही एक मूर्ति है और शिव जी का ही ये मंदिर है। यहाँ ज़्यादातर ही शिव जी का मंदिर है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। तो उसके बाद मैंने जो बोल रही थी कि नेपाल पूरा आपको दिखाऊंगी तो वही मैंने आप लोगों से शेयर की। और ये जो व्यू प्लेस था ऑसम था, देखने को मतलब मन भरेगा ही नहीं, आपको लगता कि अब वहाँ ही खड़े रहो। और उसके अंदर एक बुद्ध का मूर्ति टाइप का था तो वहाँ पूजा वगैरह भी हो रहे थे, आप देख सकते हो बाहर टाइप के पूजा वगैरह भी चल रहे थे तब, तो वो भी अच्छा लगा। तो सब फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद मैं वहाँ जो एक्चुअली में वो लोग करते हैं ये चीज़ को मैं प्रॉपरली नहीं जानती इसको क्या बोलते हैं, लेकिन
कभी भी आप पहाड़ के जगह पे घूमने जाओ तो ये चीज़ आपको घुमाना पड़ता है, और आपको वो आपके राइट साइड से बाएं तरफ घुमाना है। और मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था कि ऐसा ही मूर्ति और एक जगह पे मैं दिखाऊंगी। तो नॉर्मली ये एक नारायण का मूर्ति है और एक प्लेस है, लेकिन इसके बाहर ऐसा डेकोरेशन कुछ नहीं था, नॉर्मली ऐसा ही था। तो उसके बाद हम लोग आ रहे थे, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई और बुआ था कोता गलो। उसके बाद पता चला भाई सामने ही बैठ गया है। तो मैं अपना व्यू के एंजॉय करते हुए हम लोग वापस आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा भूख लगा था क्योंकि वो जो सुबह में हम लोग दो पूड़ी खा के निकले वही लास्ट था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, और प्राइस वाइज वेरी हाई वहाँ का, इसलिए हम लोग कुछ खा नहीं पा रहे थे। और लंच रेडी था लेकिन जाम की वजह से बहुत लेट हो रहा था, और भूख बहुत ज़्यादा लगा था, लंच नहीं हुआ था इसलिए। तो हम लोग रास्ते के ही एंजॉय करते हुए आए, क्या कर सकते। तो बहुत वहाँ के बसेस वगैरह भी आप लोगों से शेयर किया कि कैसा दिखता है, कि क्योंकि यहाँ के जैसा वहाँ का स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए। तो वो सारे सीन्स वगैरह देखते हुए ही हम लोग रिटर्न आए होटल में, और होटल में आने के बाद भूख लगने के चक्कर में ड्रेस वगैरह नहीं चेंज करते हुए चल दिए लिफ्ट से ऊपर के तरफ, क्योंकि सीढ़ी से और नहीं चलना है। तो लिफ्ट से ही हम लोग चल पड़े क्योंकि भूख लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो चल पड़े खाने के लिए, और खाने में क्या क्या था वो आप लोगों से शेयर किया। तो खाने में एक्चुअली हर दिन ना चाटनी पापड़ ये सारी चीज़ रहती थी, लेकिन मैं खाते खाते लास्ट में नहीं वीडियो कर पा रही थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो भात, आलू पोस्तो और दाल इस और शुक्तो टाइप का कुछ, और उसके साथ माछ फास था, मैं नहीं खींच पाई फ़ोटो क्योंकि बहुत भूख लग रहा था। उसके बाद हम लोग निकले थे शॉपिंग करने के लिए कि किसी को कुछ देना वगैरह होगा तो क्या क्या खरीद सकते हैं, लेकिन प्राइस जैसे बोल रही थी मैं एज इट इज़ हाई है, तो इसलिए हम लोग नहीं ज़्यादा ले पाए। तो इसके बाद हम लोगों ने फुचका ट्राई की, वो बहुत अच्छा था, और रात में बहुत अच्छा खाना था जो था नॉर्मली भात दाल फिश फ्राई उसके साथ चिंगड़ी माछ की मलाई करी। मैं वीडियो का एंड करना भूल गई थी, तो इसलिए इससे पहले थोड़ा सा क्लिप ऐड करके मैं वीडियो का एंड कर दूँगी। ब्लॉग अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो डू चेकआउट एंड फॉलो मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। तो उसके बाद वीडियो को एंड करने के बाद मैंने आप लोगों से तब मेरे पिक्स वगैरह शेयर किए, जो जो पिक्स हम लोगों ने वहाँ खींचे थे घूमने के टाइम या तो फिर मंदिर में जाके। तो आप लोगों को पूरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वो पर्सनली आपकी चॉइस है। तो ऐसे ही पिक्स अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना, और दूसरे दिन हम लोग कहाँ गए क्या किए वो जानने के लिए आपको चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना है। और आप लोग देख रहे हो व्यूज़ बहुत बढ़ रहा है लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करो, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।